आज की जो मुरली है वो है, आज हम दो मुरली पढ़ने वाले हैं। पहली मुरली है सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग, और मुरली 3 दिसंबर 1970 की है। इस मुरली में बाबा ने हमको, बाबा सर्वशक्तिमान है और बाबा ने हम सब बच्चों को भी टाइटल दिया है मास्टर सर्वशक्तिमान का। तो बाबा ने उसका अर्थ हमें समझाया है कि जब आप स्वस्थिति में रहते हो, आत्मिक भाव में रहते हो, उसी को बाबा ने कहा ये आपकी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। और जब हम इस स्थिति में स्थित रहते हैं तो जो भी हमारा भाव स्वभाव है, पुरानी बातें हैं, कोई भी परिस्थिति है, बाबा ने कहा आप उससे पार हो जाते हो। तो इसीलिए बाबा ने हम सबको कहा कि आप आत्मा का भाव देखो, स्व में आत्मिक भाव से रहो, तो आपके अंदर सारी ये बातें भाव स्वभाव की समाप्त हो जाएंगी और आपके अंदर सामना करने की सर्वशक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। बाबा ने हमें बताया कि आप ब्राह्मणों का जो अंतिम स्वरूप है, भविष्य स्वरूप है, वो आपको अपने सामने रखना है हमेशा। तो इसके लिए बाबा ने कहा आपको इच्छा मात्रम अविद्या, ये स्थिति का आपका ये गायन है, ये आपका, तो आपको इस स्थिति में स्थित होना है। तो जब आपकी ये स्थिति होगी तभी आपका अंतिम स्वरूप आएगा। तो वो जय जयकार और हाहाकार जो बाबा ने बताया है इस मुरली में, उसके लिए हमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को धारण करना है। उसके लिए भी बाबा ने हमें युक्ति बताई कि आपको निरंकारी और निराकारी, ये दो स्थिति, निरंकारी, निराकारी और फिर अलंकारी। तो बाबा ने कहा आपको ये धारणा करनी है, निरंकारी स्थिति में स्थित रहना है। फिर बाबा ने हमें बताया, बहुत राइमिंग वर्ड्स बाबा ने यूज किए, कि अगर आप अपने आप को विजयी रत्न समझेंगे, हर संकल्प और हर कर्म स्थिति में करेंगे तो आप कभी हार नहीं हो सकती। आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आपकी कभी हार नहीं होगी। और अगर हार खाते हो तो हार से पहले मार, जो धर्मराज की मार है, उसको सामने रखो। और बाबा ने कहा हम सभी को कि आप अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो कि आपको बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। बाबा ने एक और राइमिंग वर्ड यूज किया कि अगर आप हार खाते हो, अगर आप हार खाओगे माया से, तो आपको देवताओं के हार बनाने वाला बनना पड़ेगा। तो सतयुग त्रेता में देवताओं के हार बनाओगे और द्वापर में जब आप भक्त बनोगे तो मूर्तियों को बार बार आपको, देवताओं की मूर्तियों को हार पहनाना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा हार नहीं खाना है, आपको बाप पे बलिहार होना है। तो इस तरह से बाबा ने पहले जो मुरली थी वो बताया, और जो दूसरी मुरली है वो भी लिंक्ड है हमारी पहली मुरली से ही, वो है प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। तो इसमें बाबा ने बताया कि आप सभी ने बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखो कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है, किस स्थान पर की है और किसके आगे की है। क्योंकि जब आप प्रतिज्ञा करते हो तो माया का भी चैलेंज है, वो खूब प्रैक्टिकल पेपर लेती है ऐसी आत्माओं का। तो बाबा ने कहा माया को आपको तीसरे नेत्र से अच्छी तरह से चेकिंग करनी है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब किसी का, जब कोई शरीर छोड़ता है और उसका कोई सांस अंदर रुक जाता है तो डॉक्टर कितने अच्छे से चेकिंग करता है कि कोई छिपा हुआ सांस तो नहीं है, वो अचानक से बाहर आता है। तो इसी तरह से माया जो है वो अति सूक्ष्म रूप धारण करती है हम बच्चों के सामने, तो आपको बहुत अच्छे से चेकिंग करनी है माया की। तो इसके लिए बाबा ने हम सबको बताया कि आपको तृप्त बनना है, जो भी बाबा से सर्व प्राप्तियां हैं, आप तृप्त, सर्व तृप्त हो जाओ, तो आप जितना तृप्त बनोगे उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होगी। तो पहली मुरली में जो बाबा ने इच्छा मात्रम अविद्या की बात की, दूसरी मुरली में क्लियर किया कि हमें क्या होना है, बाबा की से जो भी प्राप्तियां हैं, सर्व प्राप्तियों से हमें तृप्त हो जाना है। और इसमें भी बाबा ने फिर हमें युक्ति बताई,
आपकी माया से हार नहीं होगी, उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा इसी स्मृति में रहना है कि मैं विजय माला का विजय रत्न हूँ। जब आप इस स्मृति में रहोगे तो आपकी कभी हार नहीं होगी। महाबल मतलब बाबा पे आप बलि चढ़ जाते हो, महाबली बन जाते हो, तो माया का बल नहीं चल सकता महाबली के आगे। तो ऐसा बाबा ने हम सभी को निश्चय करने को कहा है। तो अभी बाबा की महावाक्य पढ़ेंगे। आप सभी हम सभी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएंगे और बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज हरेक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रही है। बाबा कह रहे हैं आज सभी को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रही है। हरेक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक? हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वह देख रहे हैं। निराकारी स्थिति और अलंकारी गुणों से, सर्व गुणों से संपन्न स्थिति वह देख रहे हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। बाबा ने क्या बताया, जब हम अलंकारी हैं तो कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूं। दोनों ही स्थितियां हैं, निराकारी और अलंकारी। यही है मन मना भव मध्याजी भव। तो निराकारी स्थिति हमारी है मन मना भव, नेको आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करना। अलंकारी दिव्य गुणों से संपन्न स्थिति, यानी मध्याजी भव, हमारा भविष्य स्वरूप। तो बाबा बता रहे हैं स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो ना, इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हो। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो। क्या बताया बाबा ने, स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो, फिर यह भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगे। सामना करने की सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तो बाबा ने हम सभी को आत्मिक भाव धारण करने के लिए कहा। जब तक कोई स्थूल और सूक्ष्म कामना है, सूक्ष्म और स्थूल कामना है, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। हम ब्राह्मणों में अगर कोई भी कामना है, बाबा ने कहा, तो हम सर्वशक्ति स्वरूप नहीं बनेंगे, हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती है। कामना सामना करने नहीं देती। इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा ने कहा हम सभी ब्राह्मणों का अंतिम स्वरूप है इच्छा मात्रम अविद्या। अभी बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? हर एक अपने आप से पूछे, क्या मेरे अंदर अभी तक तो कोई कामना है, या फिर मेरी अभी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की बन चुकी है? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। यही है आप सभी का अंतिम स्वरूप। तो बाबा ने हम सभी को बताया हम सब का अंतिम स्वरूप है इच्छा मात्रम अविद्या। और उसके लिए बाबा ने क्या बताया कि आपके अंदर कोई भी किसी भी चीज की कामना नहीं होनी चाहिए। तो वो चेकिंग हम सभी को करनी है।
अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है? सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट होता है कि अभी अभी ये छोड़ नया शरीर धारण करना है। ऐसे सदैव बुद्धि में यही रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है, जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो वैसे यह संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बाबा हम सभी को कह रहे हैं, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं इतनी जल्दी आसानी से बदल लेते हैं, तो बाबा ने कहा अपनी बुद्धि में रहो, आपका संपूर्ण स्वरूप। संपूर्ण स्वरूप कौन सा है? इच्छा मात्र विद्या स्वरूप, अंतिम स्वरूप, भविष्य स्वरूप जो है। तो बाबा कह रहे हैं अगर आपका जैसे आप वस्त्र बदलते हो ऐसी बुद्धि में भी हमेशा रहे कि मैं बस अपना ये भविष्य स्वरूप धारण करने वाला हूँ, तो बाबा कह रहे बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ वह नया धारण करना क्या मुश्किल होता है? बाबा का हम सभी के लिए प्रश्न है, हमारे सामने बहुत सुंदर कपड़े पड़े हो और पुराने कपड़ों को छोड़ना क्या हमें मुश्किल होता है? नहीं। इसी तरह बाबा हमें इस पुराने शरीर की और हमारा जो नया भविष्य स्वरूप है उसको कंपेयर करने को कह रहे हैं। आपके सामने आपका सतयुगी सुंदर देवताई शरीर है, देवताई चोला है, और ये आपका कलयुग जो अंतिम जर्जरी भूत शरीर है, तो इसको छोड़ना क्या मुश्किल है आपके लिए? ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो सामने है, तो फिर वह संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों? बाबा पूछ रहे हैं क्यों देरी है? कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारहीन बना देता है, इसलिए निरहंकारी और निराकारी। पहले क्या है, हमें निरहंकारी बनना है। किसी भी चीज का क्या अहंकार, क्यों अहंकार? तो बाबा कह रहे जब तक आप निरहंकारी नहीं बनोगे तो फिर आप अलंकारी नहीं बन सकते हो। तो पहले निरहंकारी बनना है और निराकारी, उसके बाद फिर अलंकारी। इस स्थिति में स्थित होना सर्वात्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जो हम इन तीन स्थितियों को धारण करते हैं, तो बाबा ने कहा वही क्या है, सर्वात्माओं के कल्याणकारी जो है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो जो सर्व का कल्याण करने वाला है वह अपना कल्याण कर सकता है? बाबा ने बहुत अलग सा प्रश्न पूछा है कि आप सभी का कल्याण करने वाले हो तो क्या अपना कल्याण कर सकता है? तो हम सभी को पहले ये मन में आना चाहिए, हम अपना अकल्याण कब करते हैं? जब हम अपनी स्वस्थिति से नीचे गिरते हैं, जब हमारे अंदर कोई ना कोई अहंकार आता है, इच्छा पैदा होती है, कामना होती है, तो वहां हम अपना अकल्याण कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को संपूर्ण स्थिति पर जाने से रोक रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदैव अपने को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को न सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? एक तो हार खाएंगे, दूसरा धर्मराज की मार भी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे क्या मंजूर है? जब हार खाते हो, हार के सामने, हार के पहले मार सामने देखो कि हमें क्या मिलेगा अगर हम हार खाएंगे। तो मार से भूत भी भागते हैं। बाबा ने कितना रमणीक बात करी कि मार से भूत भी भागते हैं, तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। जो विकारों के भूत है वो सारे भाग जाएंगे अगर हम ये याद रखेंगे कि अगर हमारी हार हो जाएगी यहाँ पर हमें धर्मराज के सामने मार खानी पड़ेगी।
अब तक हार खाना किनों का काम है? मास्टर सर्वशक्तिमानों का नहीं है, इसलिए वही पुरानी बातें, पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिमानों को की सूरत पर शोभता नहीं है, इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो। हम सभी मन में प्रतिज्ञा करें कि अपना संपूर्ण स्वरूप सामने लाए सतयुगी चूला, कि ये हमें बस सब धारण करना ही है, यही हमारा स्वरूप है। तो बाबा ने कहा प्रयत्न नहीं, कोशिश नहीं करनी है। प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा एक सेकंड की जाती है, प्रयत्न में समय लगता है, इसलिए अब प्रयत्न का समय भी गया। अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है, साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा करने का समय है, न कि हार खाने का। अगर बार बार हार खाते रहते हैं तो उसका भविष्य भी क्या होगा? ऊंचे ऊंचे पद तो नहीं पा सकते। बार बार हार खाने वाले को देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेगी। रत्न जड़ित हार बनते हैं ना, और फिर द्वापर से भी जब भक्त बनेंगे तो अनेकों मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। बाबा ने कितनी रमणीकता से हमें बताया कि हार खाएंगे तो देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा, और द्वापर में बार बार मूर्तियों को हार पहनाना पड़ेगा, इसलिए हार नहीं खाना। यहाँ कोई हार खाने वाले हैं क्या? अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते हैं। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो, समाप्ति में बलि चढ़ना है व चढ़ चुके हो, ऑलरेडी हो चुके हो, बाबा पूछ रहे हो, अभी चढ़ना है। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। इतने सभी की आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर काहे की। आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली पढ़ेंगे। नेक्स्ट मुरली है प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। अभी बाबा ने हम सभी से प्रतिज्ञा करवा ली कि आप सभी को बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है, आप सभी को अपने अंतिम स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करनी है। अब बाबा बता रहे हैं माया कैसे चैलेंज करती है जो प्रतिज्ञा करते हैं बाबा के सामने। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है, जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए, ऐसे सहज अभ्यासी बने हो ना, बने हो। बाबा पूछ रहे हैं ये पाठ पक्का किया है कि अभी अभी आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे हो जाए। विजयी रत्न बने हो, किस पर विजयी बने हो? सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो? बाबा ने मुरली की शुरुआत में हम सभी से इतने से प्रश्न पूछे। अब बाबा कह रहे हैं जैसे बाप के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है, वैसे बाप के समान विजयी बने हो, सर्व के ऊपर विजयी बने हो। बाबा ने सभी के दिलों को जीता है, तो बाबा कह रहे हैं क्या बाबा के समान आप सर्व के ऊपर विजयी बने हो? आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है? ऐसी स्थिति भट्टी में बनाई है, भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा। पास विद ऑनर अर्थात संकल्प में भी फेल ना हो, ऐसे बने हो। तो बाबा ने पास विद ऑनर की डेफिनेशन यहां पर बताई कि संकल्प में भी हम फेल ना हो। कल समाचार सुना था
कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। जब बाबा हमसे कुछ पूछते हैं तो हम सभी क्या बोलते हैं, हाँ जी, तो बाबा कहते जी हाँ का नारा लगाया, ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। जब हम बाबा के सामने कुछ प्रतिज्ञा करते हैं तो माया बहुत आती है सामने, तो बाबा कहते वो माया को चैलेंज है जब प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। जो अशक्तियां सुनाई थी वे अपने में धारण की है। ज्ञान मूर्त गुण मूर्त दोनों ही बने हों। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं हम सभी से कि बाबा के सामने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन अब उसको कायम रखने के लिए, उसके उसमें सफल होने के लिए क्या आपने जो अष्ट शक्तियां हैं, सामना करने की शक्ति है, ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त बनी हो, माया को विदाई दे चले हो। बाबा पूछ रहे हैं सदा काल के लिए। अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है हम सभी के लिए। बाबा ने कहा कि अपनी स्थूल विदाई, जब हम स्थूल शरीर को छोड़ना है हमें, उससे पहले हमें क्या करना है, माया को विदाई देनी है। या फिर वहां पर बाबा भट्टी में भी दूसरे में वहां बात करें कि आप यहाँ से जा रहे हो, माया आपका प्रैक्टिकल पेपर लेगी, तो उससे पहले भी आपको क्या करना है, माया को विदाई देनी है। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसलिए अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ श्वास छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। बाबा ने हम सभी को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो बाबा ने कहा उससे अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। फिर कभी ऐसे बोल नहीं निकले, इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा है। इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार होशियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है, किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके आगे की है, यह सभी बातें याद रखना है। हम जब प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा करें कहाँ पर किया और किसके आगे की है, यह हमेशा आपको याद रखना है। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है, प्राप्ति की लेकिन ऐसे प्राप्ति की जो सर्वतृप्त हो जाए। बाबा से हम सबको सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने हम सबको मिले हैं, तो बाबा ने कहा आपको इतनी प्राप्तियां हुई हैं कि आप तृप्त हो चुके हो पूरी तरह से। तो बाबा कह रहे जितना तृप्त बनेंगे, जितना संतुष्ट बनेंगे, इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। जब हम सूक्ष्म जो हमारे खजाने हैं इन सब से तृप्त हो जाएंगे, बाबा से सब खजाने ले लेंगे, स्वयं में समा लेंगे, तो हमारे अंदर कभी भी कोई कामना नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो वही बाबा बता रहे हैं कि जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए, ये सभी पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो पेपर प्रैक्टिकल होना है। हम सभी के जो भी प्रैक्टिकल पेपर होने वो बाबा पहले से बता रहे हैं कि आप पुरानी वृत्तियां, जो भी आपका पुराना भाव स्वभाव वृत्ति है, क्या वो आपका जा चुका है, निवृत्त हो चुके हो उससे। अपने को पूर्णतः क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। देखो बाबा ने अलग से बताया, अपने को पूर्णतः क्लियर स्वच्छ और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई। ये सभी कुछ किया है व कुछ रहा है। जो समझते हैं
सभी बातों की प्राप्ति कर, तृप्त आत्मा बन, पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूं, वह हाथ उठाए। बाबा से सभी प्राप्तियां कर ली हैं, तृप्त आत्मा बन चुके हैं और प्रैक्टिकल पेपर के लिए तैयार हैं, हिम्मत आ चुकी है, शक्तिवान बन गए, बाबा करे वो हाथ उठाओ। सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान और शक्तिवान जो बने हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पेपर की रिजल्ट देखिए, जो इस मास पास विद ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे। अभी बाबा ने पास विद ऑनर पहले ही बता दिया, इसका मतलब संकल्प में भी जो फेल नहीं होंगे, तो जो पास विद ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे उन्होंने बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास विद ऑनर सिर्फ पास नहीं, बाबा ने कहा संकल्प में भी आप फेल नहीं होने चाहिए, अपनी अपनी रिजल्ट लिख भेजना, फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर निकले। लेकिन यह भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी हैं उन्होंने से भी सर्टिफिकेट लेंगे, कि हम तो बोल रहे हैं कि हम पास विद ऑनर हुए हैं, लेकिन जो हमारे साथी हैं टीचर हैं वो भी सर्टिफिकेट दें। तो बाबा ने कहा उनसे लेंगे तब याद सौगात देंगे। सहज है ना, जब हुई हिम्मतवान तो ये क्या मुश्किल है। सदैव यह स्मृति रखना कि मैं विजयी माला की विजयी रत्न हूँ। हम सभी क्या स्मृति रखेंगे कि मैं विजयी माला की विजयी रत्न हूँ। इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। जो पिछली मुरली में बाबा ने हार की बात की, तो बाबा ने कहा अगर आप ये स्मृति रखेंगे तो आपकी हार नहीं होगी। अच्छा, सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े, महाबली बन के जा रहे हो कि अभी कुछ मरना है, कि बाबा से संपूर्ण बलि हुए हो या अभी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके किया। बाबा कह रहे हैं कुछ मरना है। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता, ऐसे निश्चय अपने में धारण करके जा रहे हो ना। रिजल्ट देखेंगे फिर बाप दादा ऐसे विजयी रत्नों को एक अलौकिक माला पहनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी कुछ देर साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सभी हैंड रेज करके अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी दिलीप भाई जी, आज बाबा ने कहा है कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति लानी है, जो कि अपनी अंतिम स्थिति होगी, और वो अगर आ जाएगी तो कभी भी हार नहीं खाएंगे। हार नहीं खाएंगे तो धर्मराज की मार भी नहीं खानी पड़ेगी। अगर हार खाएंगे तो मार को भी मंजूर करना पड़ेगा। इसलिए हार नहीं खानी है, माया से माया को हरा कर सर्वशक्तिमान बनना है। बार बार हार खाएंगे तो देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा, जो कि सत्युग मतलब सत्युग में भी रत्न जड़ित हार बनाएंगे और द्वापर में फूलों के हार बनाकर देवताओं को चढ़ाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा बोल रहे हैं आज अरे एक अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक कर रहे हैं? निराकारी और निरहंकारी बने हो, वो भी पूछ रहे बाबा। वो देख देख रहे हैं दोनों अव्यक्त है, अलंकारी भी कभी भी देह अहंकारी नहीं बने हो सकेगा। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जब हम अपने को निराकारी और अलंकारी हूँ ये स्थिति रहेगी तो मन मनाभव मध्याजीभव होंगे। फिर स्व स्थिति जब हमारी निराकारी है तो उसी को मास्टर सर्व शक्तिवान कहा जाता है। बाबा ने कहा कि इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाओगे। और जो स्वभाव स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो सब में कि सब आत्मा है, तो फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी और सामना करने की सब शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सर्वशक्तिमान का टाइटल दिया, उसके लिए बाबा ने बोला कि जितना हम अपनी स्वस्थिति में रहते हैं उतने ही हम विजय बनते हैं। और फिर बाबा ने यह भी बोला कि हमें कोई भी सूक्ष्म कामना नहीं रखनी, अगर हमारे अंदर कोई भी कामना रह जाती है तो फिर हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं आती। तो बाबा ने बोला कि जो ब्राह्मणों का संपूर्ण स्वरूप गया हुआ है ना कि इच्छा मात्र अविद्या, तो बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर कोई सूक्ष्म इच्छा तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। तो हमें बाबा ने बोला कि इच्छा मात्र अविद्या बनना है। ओम शांति। शांति भाई जी, आज बाबा ने हार और मार के बारे में बताई, जो हमें पढ़ाई में हम कभी भी गफलत नहीं करनी है और अब सदा ईश्वरीय मर्यादाएं जो भी है हम पालन करना है, इसमें हमारी पुरुषार्थी जीवन का सेफ्टी है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि हमें धर्मराज की सजा खानी पड़े। हर पल हमें चेक करना है कि हमारे जो भी काम कर्म है वो बाप समान मैच करते जाना है। दो तीन पहले भी मुरली में ऐसा आई थी, तो धर्मराज की मार से बचना है तो बचना है तो हम हार नहीं, हम फूलों का हार धारण करना है, ऐसे विजयी माला में धारण करना है, तो बाप पर पूरा बलिहार जाना है। अब क्योंकि हम सब मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदैव अपने को निरंकारी निराकारी और अलंकारी इस स्थिति में स्थित होना है तो सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो उस स्थिति में सिद्ध करना है। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि अपने अपने को संपूर्ण स्वरूप और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ना और वो चोला धारण करना बुद्धि में स्पष्ट रहता है, तो ऐसा ही हमें ऐसा बनना है कि स्थूल चोला सामने दिखाई देता है कि हमें नए वस्त्र ये चोला छोड़ना है और नया वस्त्र धारण करना है, ऐसे बुद्धि में अपना संपूर्ण स्वरूप और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, ऐसी स्थिति हमें धारण करनी है। ओम शांति। हाँ ओम शांति। दिलीप भाई जी आपका हैंड रेज है, बोल सकते हैं। ठीक है, बाबा ने आज मुरली में इच्छा मात्रम अविद्या का इसका कुछ प्रैक्टिकल स्वरूप व अभ्यास आप लोग कैसे करते हैं वह इसको बाबा ने तो कह दिया है, हम कैसे इसको अभ्यास में लाए वह आप लोग कैसे इसके ऊपर कोई कहना चाहते तो थोड़े इसके ऊपर प्रकाश डालिए।
बिना दीदी आप हो? हाँ संदीप भाई जी आप बोल सकते हैं। बिना दीदी आपका माइक ऑन है। ओम शांति। आज जब बाबा ने संकल्प के बारे में भी हमें थोड़ा फोकस देना है, हमारे संकल्प ऐसा हो कि इच्छा मात्रम अविद्या जो बनना है तो संकल्प भी हमारे बहुत प्योर होने चाहिए, और जब हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब लास्ट पेपर में हम पास होंगे। बाबा ने बताया है कि वतन में पेपर बन रहे और हम जब पेपर में जाते हैं तो जैसे हम स्कूल में भी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाते हैं, यह भी बाबा हमारे लास्ट पेपर लेने वाले हैं, वह भी हमें कैसी तैयारी करनी है, कैसे हॉल में जाना है, कैसे लास्ट पेपर देना है, इसकी तैयारी के बारे में बाबा ने हमें बहुत सूचित किया है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी ने, संदीप भाई जी ने संकल्प के ऊपर और लास्ट पेपर के ऊपर प्रकाश डाला है। तो लास्ट पेपर क्या है वो कोई बताना चाहेगा तो बता सकते हैं। और संकल्प से इच्छा मात्रम अविद्या, इसमें सूक्ष्म सेवा भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको कैसे परखें? कभी कभी हमारा होता है कि ऐसी गीता पाठशाला चलाए, इतना सेंटर खोले व इतना भाई बहन को चित्र प्रदर्शन कराए, तो वो सेवा का इच्छा को कैसे बोलते हैं? तो इसके ऊपर भी कोई कहना चाहते तो कह सकते, नहीं तो कोई और पॉइंट भी बता सकते हैं। हाँ डॉक्टर रीमा दीदी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज जैसे अभी कहा भाई जी ने कि इच्छा मात्रम अविद्या, तो बाबा ने कहा है कि इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो, क्योंकि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है, इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बन जाते हैं, फिर वो फीलिंग में आ जाते हैं। तो इच्छा अर्थात कामना, तो बाबा ने कहा है कि कामना होगी तो सामना नहीं करेंगे, इच्छा अर्थात कोई चीज की कमी, जब हम सर्व बातों में फुल होंगे, बाबा से सर्व संबंध का अनुभव होगा, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा, कोई इच्छा नहीं रहेगी, किसी भी देदारी दे के पदार्थ कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति में होंगे। तो इच्छा मात्रम अविद्या की करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त बन बस कर्म रही हूँ, कर्म कर रही हूँ। तो इस तरह की अगर रहेगी बाबा से तो फिर इच्छा मात्रम अविद्या, कि इच्छा का भी पता नहीं कि ये भी मुझे करना है, वो बाबा करा रहा है बस, ये सेवा में भी कि नहीं मेरा नाम हो मेरा काम हो मुझे पूछा नहीं गया, तो अगर इस तरह की इच्छा रहेगी तो फिर वो उसका फल नहीं मिलता है फिर। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। लगभग डॉक्टर रीमा दीदी ने सब कुछ मिलाकर शॉर्टकट में कहे तो डाला है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में दोबारा चिंतन करिए। इच्छा अच्छा किसे नहीं बनने देते, इसके ऊपर भी चिंतन करिए, और जो कुछ उन्होंने कहा है और बाबा ने आंसर भी दे चुका है। तो जहाँ तक सेवा के विषय में, बाबा ने कुछ दिन आगे के मुरली में उसको भी या सेवा के हिसाब से वो कुछ भी कर्म नहीं बनता है, अकर्म के हिसाब से वह कुछ ऐसा ही बोला है, इसके ऊपर भी थोड़ा आगे का मुरली भी देखिए। हाँ भाई जी। ओम शांति। यहाँ पे जो इच्छा मात्रम अविद्या की बात कर रही है, कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें एक चीज ध्यान में रखना है हमको, जितना बाबा ने बोला ना पहला जो पार्ट है आत्मा का, जितना निराकारी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, हमारा सूक्ष्म में हमारा बल बढ़ता जाएगा। आत्मा का सातों गुण कमी होने के कारण सूक्ष्म में कमी है, उस कारण से हम स्थूल चीज में उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो इच्छा पैदा होता है फिर, तो इसलिए निराकारी बनेंगे, जितना निराकारी शरीर स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना अलंकारी बनेंगे, मीन्स देव स्वरूप हमारे अंदर गुण आएगा, उस गुण आने के बाद हम संपूर्णता का अनुभव करेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, तब इच्छा फिर अविद्या हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। राममणि भाई जी ने बहुत प्रैक्टिकल आंसर बताया, उसको आप लोग अभ्यास कीजिए। और एक दूसरा एक भी है बाबा का स्लोगन, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो जैसे दादी गुलजार बोलते हैं बाबा ही मेरा संसार, तो इस तरह से भी हमको प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा, बाबा ने जब धर्मराज की सजाओं को आगे रखेंगे तो सजा खाना नहीं पड़ेगा, भूत भी भाग जाएगा, तो आप लोग इसको कैसे अभ्यास करेंगे? बाबा ने तो बोल दिया, तो इसके ऊपर किसी का चिंतन है? क्या चिंतन लाएं
तो शास्त्र में तो बोलते हैं कि तेल के कड़ाई में ऐसे ऐसे डाल के उबलाएंगे, तो ऐसे करके तो वो बताते हैं, लेकिन बाबा कुछ अलग से बताते। तो हम बाबा के बच्चे को क्या चिंतन करना चाहिए? कल के मुरली में भी आया था, साक्षात्कार करके पछताना पड़ेगा, हमारे आगे पीछे का दोस्त लोग क्या पद पाएंगे और हम क्या पद पाएंगे, ऐसे करके कल का प्रश्न उत्तर में भी आया था। तो इसके ऊपर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, धर्मराज की सजाएं के ऊपर। ठीक है, और कोई भी पॉइंट है तो रख सकते हैं। हाँ संदीप भाई जी, आप बोल सकते हैं जरूर। हम मेन रूम में रिटर्न हो रहे हैं, संदीप भाई जी शेयर करते जाओ, बाद में दीदी लोगों से लेंगे। ओम शांति। तो अभी स्क्रीन पर पोल लॉन्च होगा, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं और बाद में दीदी हमें होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग भी करेंगे। ओम शांति। तो आज के लिए हम होमवर्क लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा है कि अपना अंतिम स्वरूप, भविष्य स्वरूप जो है वो बार बार अपने सामने रखना है कि बस अभी हमने ये धारण करना ही है। तो बार बार आज क्या करेंगे, अपना देवताई भविष्य स्वरूप जिसका गायन है वो सामने रखें और निराकारी स्वरूप से भविष्य स्वरूप को धारण करते जाएं। तो बार बार ये धारण अपने ब्राह्मण शरीर में आएंगे और निराकारी आत्मा बनकर उस भविष्य स्वरूप को धारण करेंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये हम प्रैक्टिस आज हम बार बार करेंगे। दूसरा जो बाबा ने हम सभी को कहा है, आज पूरा दिन भर ये स्मृति रखेंगे, ये अपने आप को बार बार स्वमान देंगे कि मैं विजयी माला का विजयी रत्न हूँ। तो बार बार आज हम पूरा दिन भर स्मृति में देखेंगे और बाद में चेक करेंगे कहाँ कहाँ हम संकल्प हमारे जो है संकल्पों में हम कहीं कम तो नहीं हुए हैं, कहीं फेल तो नहीं हुए हैं। तो आज पूरे दिन भर अपने संकल्पों पर चेकिंग रखेंगे। तो एक प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे, दूसरा सूक्ष्म होमवर्क करेंगे आज हम। तो अभी हम सभी कुछ देर के लिए अपने इसी स्वरूप में स्थित होंगे, अपने भविष्य स्वरूप को देखेंगे अपने सामने, स्वयं पर एकाग्र हो जाएं, भ्रिकुटी में विराजमान अपने इतने सुंदर सूक्ष्म प्रकाश के स्वरूप को देखें। मैं निराकार आत्मा चमकती हुई मणि हूं। इस देह की मालिक, चमकता हुआ सितारा हूं। सर्वशक्तिमान
परमपिता की मैं संतान हूं। मैं देख रही हूं स्वयं को परमात्मा सर्वशक्तियों की किरणों के नीचे, सर्वशक्तियों के दाता, हजार भुजाओं वाले शिव बाबा का वरदानी हाथ। मेरे मस्तक पर है, मैं परमात्मा छत्र छाया में हूं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूं, तृप्त हूं, अपने सभी पुराने स्वभाव संस्कार को, मैंपन को, पुरानी वृत्तियों को बाबा पे बलि चढ़ा रही। मैं बलिहार हो रही हूं बाबा पर। स्वयं भगवान मुझे मिला है, मेरी विजय तो निश्चित है। माया किसी भी रूप में सामने आए, कितना भी चैलेंज करे, कितना भी प्रैक्टिकल पेपर ले, स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं विजयी रत्न हूं। मैं देख रही हूं जैसे जैसे मैं स्मृति में स्थित हो रही हूं, माया के आगे महाबली स्वरूप धारण कर रही हूं। माया का हर वार फेल हो रहा है मेरे आगे, हर परिस्थिति मेरी स्वस्थिति से समाप्त हो रही है। ये ब्राह्मण स्वरूप धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था में पहुंचकर मैं आत्मा अपने अंतिम स्वरूप को अपने सम्मुख देख रही हूं। मेरा भविष्य स्वरूप मेरे सम्मुख है, चमकता हुआ सर्व गुणों से संपन्न दिव्य स्वरूप। इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप, संपूर्ण हिंसक सर्वगुण संपन्न अलंकारी स्वरूप मैं आत्मा देख रही हूं अपने फरिश्ताई स्वरूप को। मेरे इस संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में धर्मराज भी मेरे आगे नतमस्तक हो रहा है। धर्मराज के आगे मेरे गले में विजय की माला पहनाई जा रही है और मैं इस देवता इस स्वरूप को धारण कर रही हूं। देवताई चोला मेरा भविष्य स्वरूप, यही मेरा अंतिम स्वरूप है। यही मेरा संपूर्ण स्वरूप है।
बाबा मुझसे बहुत खुश है, मेरा आज्ञाकारी बच्चा। बाबा की आशाओं को पूरा करने वाला, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला, साक्षात्कार मूर्त बच्चा। द्वापर में भक्तों के द्वारा परम पूज्य सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन, सबको संपन्न बनाने वाले मैं हिम्मतवान शक्तिवान आत्मा हूं। निराकारी स्वलंकारी मैं निरंकारी आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत परिवार। ओम शांति। या बाबा को थैंक यू। ओम शांति।